गुड मॉर्निंग, मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज मैं आपको संचारी रोग के विषय में बताऊंगी। संचारी रोग द्वारा कौन से रोग होते हैं और उससे बचाव व उसके क्या लक्षण हैं, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो जानते हैं संचारी रोग क्या है। होते ही या मौसम में परिवर्तन होते ही अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पर पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के नए कीटाणु रुके हुए पानी से पैदा होने लगते हैं, जो कि अनेक रोगों को जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इन रोगों को मौसमी बीमारी या संचारी रोग कहते हैं। गंदे पानी के माध्यम से रोग तेज़ी से फैलते हैं, जिनमें से चेचक, हैजा, डेंगू, मलेरिया, खसरा आदि हैं। अब जानते हैं लक्षण। इस रोग के लक्षण में दस्त, बुखार, दिमागी बुखार आना, जुखाम, अनियमित खांसी, बहुत तेज़ी से खांसी आना, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। अब जानते हैं संचारी रोगों से बचाओ। हाथों को बार बार धोना चाहिए साबुन से। अपनी चीज़ों को किसी को ना दें। बीमार इंसान से दूर रहें। अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण दिखे तो घर पर ही रहें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। संचारी रोग या संक्रामक रोग से बचाव के लिए छोटे बच्चों के लिए जन्म से अनेक टीके मौजूद होते हैं। सभी बच्चों को इन टीकों का उपयोग करना चाहिए। गंदे पानी पीने से भी